हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्यूब ट्रिक। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको क्यूब ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर का क्यूब निकालना हो या 3 डिजिट, तो हम इसको इजी वे में कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 53 का क्यूब निकालना, तो हम इसको इजी वे में कैसे निकालेंगे। वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर निकालना तो हर बच्चे को आता है, क्योंकि क्यूब निकालना हर बच्चे को नहीं आता है, तो ये थोड़ा हार्ड है, पर मैं इसको इजी वे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, अगर क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 15 या 110 तक क्यूब याद करना होगा, ठीक है, तो ही ये आप इसका क्यूब फास्टली आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 27 होता है, पर इसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे। 1, 2 यहाँ 0 लगा दी, 1, 2, 3 डिजिट में ये नंबर हो गया। ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में, और फिर ये क्यूब, 5 3 15 15 3 45 45 हो गया, और 45 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना देगा, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 कैरी 135 आ गया, पर इसको हम 1 डिजिट छोड़ के हम लिखेंगे 5 3 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, 45 यहाँ लिख दिया, एक बार हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, एक बार हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाए, 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 20 में 2 ऐड किए कितना देगा, 22, 5 5 25 5 कैरी 2, 5 4 20 20 में 2 कैरी एड के 22 हो गया, तो 225 इसको हम 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 5 2 2। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 77 527 5 3 8 2 527 1 8 2 2 4 1 की 1 क्या आ गया हमारा आंसर, 1 लाख क्या आ जाएगा, 1,48,877 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, बट इसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे, 00 हम लिख दिए। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, इसके पहले भी हम 20 लगा दिए, इसको हम 3 डिजिट में करना है, 8 हमको 3 डिजिट में नंबर भी चाहिए, और 8 का वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ, और ये 3 डिजिट में नंबर भी हो गया, इसका वैल्यू चेंज भी नहीं हुआ। ओके, तो इसके बाद क्या करना, अगला स्टेप क्या है, 2 1 2 2 3 6 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हुआ, 12, इसको हम क्या करेंगे, 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 2 1, इसके पहले क्या करना है, हमको 0 लगाना है, ये 3 डिजिट में नंबर करना है। ठीक है, 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो गया, 6 हो गया, इसको 3 डिजिट में करना है, तो क्या करेंगे, 00 हम लगा दिए, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, 600। ओके, अब इसको हम ऐड करेंगे, इन सभी नंबर को 8 की 8, 2 की 2, 6 1 7, 1 की 1, यहाँ तो 00 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1728 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 26 का क्यूब। तो 26 का क्यूब क्या करना है, बहुत इजी वे में हम निकालते हैं, अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके लिए क्या करना है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, इसके पहले हम क्या करेंगे, 00 लगा देंगे, इसको 3 डिजिट में करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 6 का कितना होता है, 12 12 3 36 का मल्टीप्लाई 6 में करना है। ओके, 36 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 18 में 3 ऐड करेंगे कितना देगा, 21, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के लिखेंगे 6 1 2। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जगह, 72, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 कैरी 7, तो राइट साइड से यहाँ 1 0 लगा दें, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम 27 यहाँ 0 लिख दिए। ओके, अब इसको ऐड करेंगे, 6 की 6 6 1 7, 2 2 4 5, 8 2 10 17 का 7 कैरी 1, 1 की 1 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, 17,576 हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना, बहुत ईजी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 34 का क्यूब निकालना है, तो क्या करना है इसके लिए,
इसके लिए क्या करना है हम सभी आप सभी को, सबसे पहले फोर का क्यूब करना है। तो फोर का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इसको हम थ्री डिजिट में यहाँ जीरो लगा दिए, वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ, हमको थ्री डिजिट में नंबर चाहिए वो भी मिल गया। थ्री का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, इसके पहले भी हम जीरो लगा देंगे। अब नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है, 36 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 6 24 कैरी 2 4 3 12 12 में 2 ऐड किए तो 14, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम 144 लिख देंगे। अब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 36 18 का 8 कैरी 1, 3 9 कैरी 10, 108, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के 108 को हम लिखेंगे। अब इन सभी नंबर को हम ऐड करेंगे, 4 की 4 6 4 10 की 0 कैरी 1, 8 4 12 13 का 3 कैरी 1 7 8 9 2 1 3, हमें आंसर क्या आ गया, 39,304 हमारा आंसर निकल के आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन 48 का क्यूब करना है। तो 48 का क्यूब करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 8 का क्यूब, इसलिए मैंने पहले आपसे आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आप सभी को याद होना चाहिए, तो ही आप इजी वे में इसका हम आप सभी लोग क्यूब निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक, कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए आप सभी को। तो क्या करेंगे हम, 8 इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ओके, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, इसके पहले हम जीरो लगा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है, 8 4 जा 32 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 32 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 32 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 4 8 जा 32 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 32 जा 6, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 96 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 96 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4, 8 9 जा 72, 72 में 4 ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 76, यानी क्या आ गया हमारे साथ, 768, राइट साइड से छोड़ के इसको हम लिखेंगे, 768 हम लिख देंगे। अब 96 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 में 2 ऐड किए 38, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम 384 लिखेंगे, 483। अब इसको ऐड करेंगे, 2 की 2 8 1 9, 6 5 11, 11 4, 15 का 5 कैरी 1, 8 7 कितना होता है, 15 15 15, 4 कितना होता है, 19 19 1, 20 का 0 कैरी 2, 6 3 9 9 2 11, 11 की 1 कैरी 1, 1 की 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 110,592 हमारा आंसर निकल के आ गया है ना, बहुत इजी। ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ।